नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आए दिन हम परीक्षाओं में नकल की खबरें सुनते हैं, परीक्षा चाहे बोर्ड की हो या फिर सरकारी नौकरी की। पर सुरक्षा के तमाम प्रबंधों के बाद भी नकल के नए नए तरीके सामने आते हैं। इसके लिए कई हाईटेक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में हुई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने लगभग 200 सॉल्वर को पकड़ा था। अब इन प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए यूपी सरकार जिस नए तरीके का इस्तेमाल कर रही है, प्रदेश भर में उसकी खूब चर्चा हो रही है। एसटीएफ ने पहली बार इन सॉल्वर्स को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले ये जानते हैं कि नकल के लिए इस बार किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, चीटिंग के लिए किसी तरह की मदद करने वाले को सॉल्वर या फिर डमी उम्मीदवार कहा जाता है। परीक्षा में नकल करने के लिए एडमिट कार्ड में लगी स्टूडेंट की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर सॉल्वर को उनकी जगह बिठाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए फेस मिक्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब फेस मिक्सिंग कैसे होती है ये भी जान लेते हैं। यहाँ फोटोशॉप के एडवांस वर्जन के इस्तेमाल से परीक्षार्थी और सॉल्वर की तस्वीर को मिलाकर एक नई तस्वीर बनाई जाती है। फिर इन नई तस्वीरों का इस्तेमाल एडमिट कार्ड में किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इस तस्वीर को देखकर इनविजिलेटर चकमा खा जाते हैं और ऐसा होने पर सॉल्वर को एग्जाम में बैठने की अनुमति मिल जाती है। अब एसटीएफ ने इन सॉल्वर का पर्दाफाश कैसे किया, आइए समझते हैं। हाल ही में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती से जुड़ी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हुई थी। यही वह पहला मौका था जब फेस मिक्सिंग को लेकर यूपी एसटीएफ की कार्रवाई बड़े पैमाने पर देखने को मिली और इसमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई। इसके लिए एसटीएफ ने पिछले कुछ दिनों से चर्चा का केंद्र बनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। इसी की मदद से एसटीएफ ने सॉल्वर के इन तरीकों को समझा और इसका पर्दाफाश किया। अगर किसी तस्वीर के साथ फोटो मिक्सिंग की गई है और ये तस्वीर पहले से ही एसटीएफ के डेटाबेस में मौजूद है, तो ये रेटिना और एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन के इस्तेमाल से फेस मिक्सिंग वाली तस्वीरों को डिटेक्ट कर लेता है। इस बार की परीक्षा के पूर्व एक घंटे के अंदर ही सभी छात्रों की तस्वीरों का डेटा मिल गया और फिर इसकी जांच शुरू हो गई। इस पर एसटीएफ का कहना है कि परीक्षा में नकल की कोई संभावना ना हो, इसके कारण लाइव जांच होती है। इसके लिए डाटा ट्रांसफर रियल टाइम में होना जरूरी है, इससे सॉल्वर को मौके पर पकड़ा जा सकता है। अगर ऑनलाइन परीक्षाओं की बात करें तो इसमें छात्रों की स्क्रीन इनविजिलेटर के लिए देखना संभव नहीं होता है। यहाँ वह उनके चेहरे के हाव भाव देखकर संदिग्ध का पता लगाते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन परीक्षा में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि परीक्षार्थी इंटरनेट या फिर उसे रिमोटली एक्सेस तो नहीं कर रहा है या फिर उसने अपनी स्क्रीन तो शेयर नहीं की है। उदाहरण के तौर पर आप एआई प्रॉक्टर ले सकते हैं। इसकी मदद से उम्मीदवार के वेबकैम स्ट्रीम की एआई प्रॉक्टोरिंग प्रोग्राम द्वारा लगातार निगरानी की जाती है, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को चिन्हित करता है या रिपोर्ट करता है। एआई द्वारा संचालित परीक्षाएं बहुत सारे आवेदकों पर नजर रखना आसान बनाती है। गौरतलब है कि नकल से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने एक नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर योगी सरकार को सौंप दिया है। इस ड्राफ्ट को बाकायदा एक सर्वे के बाद तैयार किया गया है। इस कानून के तहत पकड़े जाने वाले सॉल्वर को 14 साल की सजा और 25 लाख तक के दंड का प्रावधान रखा गया है। आज इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।